हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्व मंत्री चौधरी ने ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों से संवाद कर कोरोना लड़ाई में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देने की बात कही। राजस्व मंत्री चौधरी ने बायतू, गिड़ा व सांभरा कोविड सेंटर्स का किया दौरा। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने शनिवार को गिड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बायतू, गिड़ा एवं सांभरा कोविड केयर सेंटर का अवलोकन कर चिकित्सा व्यवस्थाएं देखी। साथ ही उन्होंने परेयू, चिमाणियों की ठाणी खारडा भारत सिंह, कुंपलिया, जगराम की ठाणी में ग्राम सदस्य कोर कमेटी के सदस्यों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर कोरोना रोकथाम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कोरोना से लड़ाई में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर जोर देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनका मनोबल अधिक होता है वे अपेक्षाकृत जल्दी ठीक होते हैं, इसलिए लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक का सहयोग लें तथा संक्रमितों एवं उनके परिजनों का हौसला बढ़ाएं। गिड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। राजस्व मंत्री चौधरी ने शनिवार को गिड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं मरीजों के उपचार के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने सीएचसी में एक्सरे रूम बनाने के लिए उचित स्थान का अवलोकन किया। उन्होंने मरीजों के चिकित्सकीय उपचार के लिए अतिरिक्त हॉल स्थापित करने के संबंध में चर्चा की। उन्होंने सीएचसी के बड़े हॉल का निरीक्षण कर एक तिहाई भाग पर डिजिटल एक्सरे मशीन संचालन के लिए रूम तथा दो तिहाई भाग में मरीजों के उपचार के लिए बेड युक्त वार्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग पर जल्द व्यवस्था का आश्वासन दिया तथा 10 लीटर के 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की बात कही। इसके उपरांत राजस्व मंत्री चौधरी ने गिड़ा कोविड सेंटर का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सा कार्मिकों को सक्रिय रहकर दायित्व निर्वहन के निर्देश दिए। उन्होंने उपलब्ध संस्थानों का उचित उपयोग करने के निर्देश दिए। ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों से संवाद। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने परेयू, चिमणियों की ठाणी खारडा भारत सिंह, कुंपलिया, जगराम की ठाणी 5 पंचायतों की ग्राम स्तरीय कोर कमेटी व स्थानीय जन प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर कहा कि आईईआई लोगों के चयन के लिए सर्वे का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। संक्रमण की रोकथाम एवं लोगों के उचित उपचार के लिए समय पर इलाज प्रारंभ करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, बुखार, श्वास तकलीफ समेत तमाम लक्षण वाले अधिकांश कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल नजदीकी चिकित्सा से तमाम आईएलआई वाले मरीजों के कई तरह की भ्रांतियां हैं, उन्हें दूर कर अस्पताल या कोविड सेंटर जाएं और अपना समय पर इलाज करवाएं। ग्राम स्तरीय कोर कमेटी के सदस्यों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों से सुझाव जाने, उन्होंने आपसी समन्वय के साथ कोविड रोकथाम के प्रयास पर बल देने को कहा। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।